सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के चुनाव के मतदान का मतगणना शनिवार को भी जारी रहा। शनिवार के चुनाव परिणाम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर दिलीप कुमार यादव ने प्रतिद्वंदी सत्येंद्र मल को शिकस्त दी। कोषाध्यक्ष पद के लिए अजयानंद सिंह मुन्ना 450 मत पाकर विजयी हुए और उनके प्रतिद्वंदी नफीस अख्तर को 403 मत प्राप्त हुए। वहीं संयुक्त मंत्री प्रशासन के पद पर उठे रविंद्र सिंह 708 मत पाकर विजयी घोषित हुए और उनके प्रतिद्वंदी गोपाल स्वरूप पाठक को 429 मत ही प्राप्त हुआ। संयुक्त मंत्री पुस्तकालय पद पर आशीष कुमार पांडे 532 मत पाकर विजयी हुए और उनके प्रतिद्वंदी पुष्पा सिंह को 446 मत ही प्राप्त हुए। संयुक्त मंत्री प्रकाशन पद पर विजयन तिवारी 628 मत पाकर विजयी हुए और वहीं उनके प्रतिद्वंदी विजय कुमार सिंह को 433 मत प्राप्त हुए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। शेष बचे पदाधिकारियों का चुनाव मतगणना और परिणाम 11 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी के नव निर्वाचित कोषाध्यक्ष अजयानंद सिंह मुन्ना और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलीप कुमार यादव ने कहा, उनके पसंद ने बोला दिलीप कुमार यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष। प्राथमिकता यह रहेगी जो नए लड़के आते हैं उनकी व्यवस्था ठीक से हो, जिससे कि इस पेशे में वो आ सकें ठीक से। इस पेशे में गिरावट थोड़ा इसको सुधार किया जाएगा। हमारे साथ इतने लोगों ने सहयोग दिया, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सहयोग के लिए उनके आभारी हैं। कोषाध्यक्ष चुने जाने के साथ साथ मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कोरोना काल में हमारे युवा अधिवक्ता जिनके साथ 6 महीने चूल्हे जलने में भी परेशानी थी, लेकिन हमारा जो निधि है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे बार काउंसिल, चाहे हमारी अपनी संचित निधि, उसको किसी को एक ढेला नहीं मिला था। हम प्रयास करेंगे कि उस वकालनामे को ईमानदारी से लोगों के बीच वितरित करने का और मान सम्मान बढ़ाने का। बार एसोसिएशन के जो मान सम्मान गोरखपुर पूर्वांचल की यह बड़ी कचहरी जिसको लोगों ने मान मर्दन किया, आने वाले समय में मैं ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि हमारा चुनाव एक शासन, एक विधान और एक संस्थान का होगा। 1 साल का कार्यकाल 1 साल के लिए होगा, ये मैं प्रयास करूंगा।